हेलो एवरीवन, आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे बहुत ही हेल्दी और बहुत ही स्वादिष्ट गेहूं का दलिया, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होगा। तो इसके लिए एक कटोरी मैंने बारीक वाला दलिया लिया है। हमें मोटा दलिया नहीं लेना है, मोटा दलिया नमकीन बनाया जाता है और जो बारीक होता है उसे दूध का बनाएंगे। इसे हल्का सा गर्म कर लेंगे। जब ये थोड़ा गर्म हो जाए तो इसमें एक टीस्पून देसी घी ऐड करेंगे और इसे बिल्कुल सिम गैस पे हमें सुनहरा होने तक भूनना है। एक कटोरी दलिये में मैं यहाँ 3 गिलास दूध लूँगी। और इसे अच्छे से पका लेंगे। आप यहाँ दूध कच्चा या उबला कैसा भी ले सकते हैं। 2 इलायचियों को यहाँ फोड़ के डालूँगी। इलायची का पाउडर नहीं लेना है हमें, इलायची को इसी तरीके से तोड़ के डालना है और इसे बिल्कुल सिम गैस पे जैसे हम खीर पकाते हैं ठीक उसी तरीके से इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। 10 से 15 मिनट में ये बिल्कुल अच्छे से पक जाता है। ये देखिए, ये मेरा दलिया बढ़िया से पक चुका है। ये देखिए, ये इस तरीके से आप देख लीजिएगा कि हमारा दलिया गल चुका है, नहीं बिल्कुल अच्छे से फूल चुका है और गल भी चुका है। और ऐसा भी नहीं है कि दूध अलग है और दलिया अलग है। बढ़िया से इसको 5 मिनट के लिए हम ढक के रख देते हैं और गैस ऑफ कर देते हैं। अब हम इसमें मीठा ऐड करेंगे। आप चाहो तो चीनी भी यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ शक्कर लिया है क्योंकि हेल्दी बना रहे हैं तो शक्कर का यूज़ करेंगे, चीनी का हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि चीनी इतनी हेल्दी नहीं होती है। आप यहाँ बूरा भी डाल सकते हैं, गुड़ भी डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। तो मुझे शक्कर ज़्यादा ठीक लगती है तो मैंने यहाँ शक्कर ऐड किया है और इसे 5 मिनट ढक के रखेंगे। और फिर आप देख सकते हैं दूध का बढ़िया सा हमारा दलिया बनकर तैयार हो चुका है। खाने में बहुत ही टेस्टी है, बच्चों को, बड़ों को, सभी को बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस तरीके से बनाइए। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।